नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार गुप्ता, सहायक प्रोफेसर एवं समन्वयक, पत्रकारिता एवं जनसंचार, प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर। टेलीविज़न धारावाहिक लेखन, एला अरुण के शब्दों में कोई कार्यक्रम या उपन्यास आदि के अंश कई किस्तों में रेडियो टीवी पर प्रसारित हों या पत्रिका में छपे हों, उसे धारावाहिक कहा जा सकता है। हमारा तात्पर्य उन सभी कार्यक्रमों से है जो टीवी पर श्रृंखलाबद्ध रूप से दिखाए जाते हैं। इनमें संगीत के कार्यक्रम, राजनीतिक विषयों पर आधारित तथा दुनिया की ताज़ा तरीन घटनाओं पर आधारित, जैसे वर्ल्ड दिस वीक, प्रेस मंच इत्यादि अनेक तरह के कार्यक्रमों को धारावाहिकों के अंतर्गत लेना पड़ेगा। इसमें विज्ञान, खेलकूद, इतिहास आदि के कार्यक्रम भी शामिल हो जाएंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ, हमारे यहाँ इस तरह के सभी कार्यक्रम सीरियल कहे जा सकते हैं। डॉक्टर सुधीर पचौरी बताते हैं कि सीरियल मूलतः एक नाट्य रूप में प्रस्तुत कहानी की एक ऐसी विधा है जो दर्शक के विवेक या ज्ञान, संवेदनशील संसार को किसी तर्क या विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत न करके उसके सीधे संवेदनात्मक संसार पर अपनी समूची शक्ति केंद्रित करती है। इसलिए एक सफल सीरियल में एक प्रभावोत्पादक कथा के साथ साथ ऐसी पटकथा की संरचना जरूरी हो जाती है जो दर्शकों से सीधे बिना किसी व्यवधान के रागात्मक तादात्म्य स्थापित कर सके। सीरियल की पटकथा संरचना इस मायने में किसी कहानी के नाट्य रूपांतरण से काफ़ी नज़दीक बैठती है, किंतु कैमरे की कला होने के कारण वह नाटक की संरचना से भी थोड़ी अलग और विशिष्ट बन जाती है। चूँकि भारतवर्ष में सीरियल शब्द सोप ओपेरा के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता और सोप ओपेरा बहुत कम ही बने हैं, अतः हमें टेलीविज़न लेखन की विधा से पूर्णतः परिचित होना चाहिए। एला अरुण के शब्दों में आज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि सीरियल बनाने, करने, लिखने वाले और उसे देखने वाले दोनों कन्फ्यूज हैं। देने वाला नहीं जानता कि वह क्या दे रहा है, किसके लिए दे रहा है और दर्शक की उससे क्या अपेक्षा है, और देखने वाला भी नहीं समझता कि उसे क्या देखना है, क्यों देखना है, और जो देख रहा है उसमें क्या है और उसे क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है। इसलिए सब गड़बड़ हो रही है। लेखक को पता होना चाहिए कि वह क्या लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है। इस तरह से सीरियल का अलग अलग दर्शक वर्ग होता है और उसकी समझ और पसंद भी अलग अलग होती है। इससे लेखक को अवगत होना अत्यंत आवश्यक है। धारावाहिक लेखन की सबसे महत्वपूर्ण बातें नाटकीयता, चित्रमयता, टेलीविज़न की लय व भाषा व उसके पार बैठे दर्शकों की अपेक्षाएं, इन्हीं के अनुसार लेखक को अपनी कहानी का ग्राफ बनाना पड़ता है। इस दृष्टि से कुछ बिंदु अपेक्षित हैं, जिनमें विचार, दृश्यानुसार कथा, कथासार, पात्र, नाट्यता, भाषा, संवाद। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वह है विचार। सबसे महत्वपूर्ण तत्व विचार है। विचार भी ऐसा हो जो निर्माता को भा सके, उसके मन पे आ सके। इस दृष्टि से विचार में नवीनता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, व्यावसायिक दृष्टि से जो उपयोगी होना चाहिए, जैसे कभी सास भी बहू थी का मूल विचार, संयुक्त परिवार की परिस्थितियां, पात्रों के संबंध और उनके द्वंद्व। इस कारण यह धारावाहिक आज के संबंध में दर्शकों को काफ़ी लुभा रहा है। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक दर्शकों को अधिक मन को भाते हैं। विचार एक पंक्ति का भी हो सकता है और एक पृष्ठ का भी। विचार की पृष्ठभूमि, उसकी मौलिकता, वह विचार किस प्रकार के दर्शक वर्ग को आकर्षित करेगा, उसमें मनोरंजन के तत्व क्या क्या हैं आदि बातों का भी उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दृश्यानुसार जो कथा। धारावाहिक लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसकी कहानी का दृश्यों में विभाजन हो। इसे हॉलीवुड की भाषा में स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। धारावाहिक लेखन में प्रत्येक एपिसोड की कथा का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। इसे हॉलीवुड की भाषा में वन लाइनर कहा जाता है, अर्थात एक पंक्ति में दृश्य की कहानी कहना। वन लाइनर तैयार करने के उपरांत पटकथा को संपूर्ण पटकथा लिखने में सुविधा होती है, लेकिन वन लाइनर में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हर एपिसोड में एक समान नाटकीयता बनी रहे। दृश्यानुसार कथा के प्रस्तुतिकरण के समय ही पात्रों, कहानी की घटनाओं, धारावाहिक के संवादों का भी उल्लेख किया जाता है। पात्रों की पहचान भी
इसी में होती है और उसकी चारित्रिक विशेषताएं भी इसी में उभर कर सामने आती हैं। 10-15 पृष्ठों का दृश्यानुसार कथा प्रस्तुतिकरण आदर्श माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कथासार। कथासार को स्टोरी आउटलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहानी की मुख्य बातों का उल्लेख होता है। कथासार में संक्षेप में फिल्म की कहानी लिखी जाती है। धारावाहिक लेखन का मूलतः 3 चरण होते हैं, पहला कहानी, दूसरा पटकथा, तीसरा संवाद। टेलीविज़न धारावाहिक में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हर कॉमर्शियल ब्रेक से ऐसा कुछ हो कि दर्शक के मन में आगे देखने के लिए कौतूहल बना रहे और हर एपिसोड के अंत में निश्चय ही ऐसा नाटकीय मोड़ प्रस्तुत हो कि दर्शक बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार करे। कब, क्या, कहाँ होगी, कैसे होगा, क्या परिणाम होगा, कौन देखेगा, क्या देखेगा और क्या दिखाना है, सब तय होता है। वहाँ तयशुदा फॉर्मूले पर ही अधिक जोर होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पात्र। धारावाहिक मूलतः कथा है, पात्रों की उनमें संबंधों में उनके द्वंद्वों की, उसके अनेक चरित्रों की आवश्यकता होती है। कुछ पात्र वर्ग प्रधान होते हैं, कुछ व्यक्तिगत। इन पात्रों की परस्पर टकराहट के कथानुसार आगे बढ़ता है। कहानी के अनुसार सभी प्रमुख और गौण पात्रों का व्यक्तिव्रत तैयार कर लेना चाहिए। कारण धारावाहिक अनेक दिनों, महीनों और वर्षों तक चलता है और ऐसे में हो सकता है कि एक लेखक अपने कुछ पात्रों के बारे में भूल जाए, बड़े पात्रों के बारे में कोई ऐसी गलती कर जाए जो उसके पहले दिखाए गए रूप से भिन्न हो। इस व्यक्तिव्रत में उसकी आदतें, बाकी पात्रों से उसके संबंध की बारीकियाँ, उसका अगर कोई तकिया कलाम है तो वह उसकी इच्छाएँ आदि एक एक बहुत छोटी बड़ी बातों का लिख लिया जाता है। इससे आगे लेखन में बहुत सुविधा होती है। पात्रों के व्यक्तिगत जीवन और उनके व्यावसायिक जीवन की टकराहट भी धारावाहिक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पात्रों को व्यक्तिगत और परिवेशगत द्वंद्व में उलझना चाहिए। कहानी में कोई ऐसा बिंदु अवश्य हो जहाँ उसके चारों ओर पात्रों की इच्छाएँ टकराएँ। नाटकीयता। धारावाहिक में नाटकीयता पैदा करने के लिए कथा में विरोधाभास हों या विरोधी तत्वों और पात्रों की टकराहटों को ध्यान में रखता है, तभी दृश्य बनते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं और धारावाहिक बिकते हैं। ऐसा अक्सर सशक्त संवादों का विशेष महत्व होता है। भाषा। धारावाहिक की भाषा सरल होनी चाहिए। कारण धारावाहिक सभी तरह के लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाली चीज़ है, लेकिन यह याद रहे कि सस्ती और भद्दी या अश्लील नहीं हो, पर सबकी समझ में आने लायक अवश्य हो। धारावाहिक लेखन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लास्ट है वो है संवाद। संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि कैमरे का इस्तेमाल उतना नहीं हो सकता जितना कि फिल्मों में होता है। दूसरे प्रेक्षागृह में फिल्म का प्रदर्शन लगभग एक तरह की स्थितियों में हर जगह होता है। धारावाहिक के संवाद पात्रानुसार, प्रसंगानुसार और कथानुसार होने चाहिए। धारावाहिक में संवाद स्टार की भाषा में नहीं लिखे जाते बल्कि कहानी के अनुसार लिखे जाते हैं। जैसा कि धारावाहिक होगा वैसा ही संवाद लिखना होगा। स्वाभिमान, मुझे चांद चाहिए, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, महाभारत, रामायण, धारावाहिक कथा के संवाद लेखन का स्वरूप और भाषा सुनिश्चित करेगी। सभी धारावाहिकों में न तो एक संवाद लिखे जा सकते हैं और न ही उनकी भाषा एक सी होगी। धारावाहिक लेखन में चैनल का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नमस्कार।